हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर करेंगे जो कि हमारे डिपार्टमेंट DOE द्वारा इशू किया गया है। तो पेपर का पैटर्न ना हम सबको बहुत अच्छे से पता है। आज हम इसमें सेक्शन ए कंप्लीट करेंगे जिसमें 20 क्वेश्चन MCQ होंगे। हर क्वेश्चन एक नंबर का है, दैट मीन्स टोटल 20 मार्क्स का ये सेक्शन हमारे पास होता है। फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज 3/7। एक घटना के होने की प्रायिकता 3/7 है। टोटल आपको पता है हमेशा एक होती है, तो जब हमें ना होने की प्रायिकता पूछी जाएगी तो हम एक में से इस फिगर को माइनस कर देंगे, तो क्या बनेगा 1 - 3/7। तो कहाँ आप मिस्टेक करते हैं फ्रैक्शन की जमा घटा में, केयरफुली इसके नीचे 1 है, फिर 1 में से आप LCM लेंगे इधर, 7 - 3, 4/7 हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। M का वह वैल्यू बताइए जिसके लिए इन दोनों इक्वेशंस का कोई हल नहीं है, नो सॉल्यूशन। पहले आपने क्या करना है बेटा, हमेशा क्वेश्चंस में ये चेक करना है इक्वेशंस जब भी दी गई होंगी कि हमारी इक्वेशंस स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। तो मैं इसे दोबारा लिख लेती हूँ, 6x - 3y + 10 = 0। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास है 2x - my। आप देख रहे हैं -9 इसने दूसरी तरफ दे रखा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इसको इधर ही लेके आना है। दोनों इक्वेशंस का पैटर्न हमारा सेम होना चाहिए, ठीक है। अब आपकी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज होंगी इक्वेशन। अब मैं ना होने की सॉल्यूशन, कोई नहीं होने की कंडीशन यहाँ रखूँगी, तो उसमें क्या होता है a1 / a2 यानी कि 6/2। क्लियर आपको पता चल रहा है x के नीचे x लिखना है, और x और y साथ में नहीं लिखते हैं जब सॉल्यूशन करते हैं, सिर्फ हम कोएफिशिएंट उठाते हैं इनके। यहाँ से क्या बनेगा -3 - m, ये बराबर होना चाहिए -3/-m, और बराबर नहीं होना चाहिए c1 / c2, दैट मीन्स 10/9। अब हम पहला दोनों का कॉम्बिनेशन उठा के सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि इसने यहाँ ऐसा कोई आंसर नहीं दिया कि m की वो क्या मान के लिए वैल्यू ऐसी हो कि उसकी सॉल्यूशन ना निकले, है ना। वो वैल्यू कौन सी नहीं होनी चाहिए उसने ये नहीं पूछा है, उसने पूछा कौन सी वैल्यू होनी चाहिए। तो होनी चाहिए के लिए हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, घटा से घटा कट जाएंगे, आपको पता चल रहा है 2 से 6 को काट दिया 3, यानी कि हमारे पास रह गया 3 = 3/m। ये m इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, m = 3/3, दैट मीन्स m = 1। नेक्स्ट है SCF of co prime numbers, कितने भी को प्राइम नंबर्स हमारे पास होते हैं SCF विल ऑलवेज बी 1। नेक्स्ट, इफ़ अल्फा बीटा एंड आर द जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। पॉलिनोमियल हमें दिया गया है x² - ax - b, इसके शून्यांक हमें पता है। अब शून्यांकों का जमा हम निकाल सकते हैं, फॉर्मूले के हिसाब से घटा b बटा a होता है, मूलों का योग, है ना। तो हमने अब घटा b क्या है यहाँ पे, घटा घटा a, एक घटा तो ये वाला और एक घटा यहाँ पे दिया गया है, घटा घटा ए ब्रैकेट में डालेंगे, बटा में ए की वैल्यू कितनी है 1 यहाँ पे, तो ये किसके बराबर हो गया ए के। अब प्रोडक्ट भी हम निकाल लेंगे इक्वेशन में से, जिसका फॉर्मूला होता है c/a। सी क्या है यहाँ पे, घटा बी, तो ये बन गया घटा बी के बराबर। अब हमें निकालना है α² + β² तो हम क्या करेंगे, α + β का होल स्क्वायर खोलेंगे, वो हमें पता है α² + β² + 2α β। ये इससे कंफ्यूज नहीं होना है आपको, दिस इज़ लाइक a + b होल स्क्वायर, है ना। अब α + β हमें पता है वो a है हमारा, तो यहाँ पे हम केयरफुली a रख देंगे। ये क्वेश्चन एक नंबर से ज़्यादा के लिए भी हमें आ सकता है, +2, और α β हमारा कितना है -b, जो यहाँ पे गलती से 1 लिखा गया बेटा, -b है ये, तो α β की वैल्यू -b को हम ब्रैकेट में डालेंगे,
अब मुझे तो खाली ये चीज़ चाहिए है ना, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जो ये माइनस टू बी इसके पास फालतू है, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो ये क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस टू बी, यही हमारा आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह द्विघात बहुपद बताइए जिसके शून्यांकों का योग माइनस थ्री और माइनस टेन गुणनफल है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट इज आल्सो गिवन। तो हमें फॉर्मूला पता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। कितना आसान क्वेश्चन है, सम हमारे पास है माइनस थ्री, तो माइनस थ्री को आप ब्रैकेट में डालेंगे। कैलकुलेशन आपकी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टेन इज द आंसर। तो हमारा आंसर बना डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एस सी एफ ऑफ टू नंबर्स इज सिक्स, फाइंड एल सी एम। आप फॉर्मूला लगाएंगे, बहुत बार हम इनकी प्रैक्टिस कर चुके हैं। एस सी एफ के नीचे सिक्स लिखा, एल सी एम निकालना है, यहाँ तीनों दोनों नंबर लिख दिए। अब एल सी एम को यहीं छोड़ देंगे, छः वहाँ भाग में चला जाएगा। सॉल्व करके आंसर आ गया 3024। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 234 का अभाज्य गुणनखंड गुणनफल के रूप में लिखिए। तो बेटा एक तरीका तो आपको पता ही कि हम इस तरीके से करते हैं ना, ऐसे करके। और अगर कभी ऐसा छोटा सा क्वेश्चन हो ना ये वाला, तो हम देखो डायरेक्ट आंसर में से भी कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हो दो गुणा दो यानी कि चार, चार से तो ये रकम भाग ही नहीं होगी, क्योंकि चार की क्या पहचान होती है, लास्ट के दोनों नंबर चार से भाग होने चाहिए। तो चार के टेबल में 34 नहीं आता है। तो अगर आप चाहें तो आप अपना डायरेक्ट आंसर भी फौरन सेकंड्स में देख सकते हैं। तो ये आंसर कैंसिल हो गया, ऐसे ही जहाँ पे भी चार बनेगा, दो गुणा दो, यहाँ पे भी चार बन रहा है, तो ये आंसर भी कैंसिल हो गया। अब देखो ये वाला सी को कंसीडर करो, तीन गुणा दो छः, और तेरह से गुणा करेंगे तो सिर्फ 13 × 6 = 78 होता है। तो ये तो हमारा आंसर बिल्कुल नहीं बनेगा, तो आंसर रह गया ओनली बी। अदरवाइज आपको अगर ये तरीका नहीं समझ आता है, आप डायरेक्ट इस तरीके से अपना आंसर सॉल्व करके फिर उसे सॉल्व आंसर में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चतुर्थांश यानी कि क्वाड्रेंट का हमें एरिया बताना है। तो सीधा पूरे क्षेत्रफल का चौथा हिस्सा, पूरा क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, उसको चार से भाग कर देंगे। पाई की जगह हमें 22/7 रखना है, आर की जगह हमें 14 रखना है। दो बार रखा आर स्क्वायर है ना, 14 × 14 और बटे में ये वाला 4। अब इसे हम क्लियरली केयरफुली काटेंगे, 7 से देखो ये 2 पे कट गया, 2 से 2 पे कटा, फिर ये कटा 11। अब हमें करना है 11 × 14 दैट इज़ इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए आंकड़ों का माध्यक मीडियन आपको दे रखा है, असेंडिंग ऑर्डर में डेटास लगाए गए हैं, तो हमें क्या करना है, देखो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डेटास का मतलब है कि बीच के जो भी दो फिगर्स होंगे उनका हमें प्लस करके 2 से भाग करेंगे तब हमें मीडियन मिलेगा। तो हमने क्या किया, x प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 3, क्लास 9th का क्वेश्चन है ये, और जो कि इक्वल किसके दिया गया है, 27.5 के। अब ये 2 इसके साथ गुणा हो जाएगा और यहाँ पे क्या बनेगा, x प्लस एक्स 2x जमा 5, 2 से इसको गुणा कर देंगे हमें मिल जाएगा 55। नाउ यू कैन सॉल्व इट, 5 माइनस किया 50 रह गया, अब 2 से भाग कर देंगे 25 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, एक नंबर से ज़्यादा भी हमारे पास आ सकता है। ये ए बी इज़ 5 लिख लेते हैं, ए सी इज़ 6 एंड बी सी इज़ 4। हमें बताना है ए पी की लंबाई, लेंथ ऑफ ए पी। तो बेटा सबसे पहले जब भी आपको टेंजेंट्स दिए जाते हैं, आप देख रहे हैं बी पी बराबर, इस पॉइंट का हम नाम दे देते हैं आर। सपोज़ बी पी बराबर बी आर, आपको पता ही है बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। तो बी पी बराबर बी आर, ऐसी आर सी बराबर सी क्यू, ये लिख लेते हैं, ये लिख लिया हमने। ऐसी एक ए से आप स्पर्श रेखाएँ खींच रहे हो, ए पी और ए क्यू, ये भी बराबर होंगी, ए पी बराबर ए क्यू। अब मैं क्या करूँगी, मेरे को कुछ भी और इसके अलावा नहीं पता, लेकिन पता है इस त्रिभुज का पेरीमीटर, वो तीनों साइडों का योग। तो पेरीमीटर कितना हो गया, 6 4 10 और 5 15 सेंटीमीटर।
जबकि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, तीनों भुजाओं को जोड़ना है, ए बी जमा बी सी जमा ए सी, ये हमने लिख दिया। अब बी सी के आप देख रहे हैं दो टुकड़े हो रहे हैं, बी आर प्लस आर सी, तो बी सी को हटा के हमने लिख दिया बी आर प्लस आर सी। अब बी आर किसके बराबर है, हमने अभी लिखा था पी बी के बराबर है, तो बी आर की जगह हम पी बी लिख देंगे और आर सी की जगह हम सी क्यू लिख देंगे। अब बेटा आप देखिए ए बी प्लस बी पी, ए बी प्लस बी पी ये मिल के क्या बन जाएगा, ए पी, है ना। और ऐसी क्यू सी प्लस ए सी, क्यू सी प्लस ए सी ये मिल के ए क्यू बन जाएगा। तो अब हमने यही टर्म यहाँ लिख देनी है, ए पी प्लस ए क्यू बराबर 15। जबकि ए पी और ए क्यू दोनों आपस में बराबर हम पहले ही लिख चुके हैं, इसका मतलब ए क्यू भी ए पी ही है, इसकी जगह भी ए पी लिख दिया। अब ये कितने ए पी बन गए, 2 ए पी बराबर 15। ए पी की वैल्यू हमें पूछी है, 2 से भाग कर देंगे, 15/2 दैट मीन्स 7.5 cm। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हमारे पास एम सी क्यू के अलावा भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी, 6 लाल और 5 नीली गेंदें हैं, टोटल हो गई 11, और नीली गेंद की आपसे प्रायिकता पूछी जाती है, तो आंसर आ गया 5/11। एक गेंद का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा आंसर एक लिख देंगे, आंसर आपने नीली गेंदों के अकॉर्डिंगली देना है, दैट इज 5/11। दो चर वाले एक रैखिक समीकरण युग्म के अद्वितीय हल हैं, यूनिक सॉल्यूशन है, एक यूनिक सॉल्यूशन है, तो बेटा ऐसे में क्या कैसा ग्राफ बनता है उसका, उसकी लाइंस आपस में प्रतिच्छेद करेंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी, एक पॉइंट पर कट करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी इज सिमिलर टू डी ई एफ, दोनों समरूप है त्रिभुज, इसका मतलब एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल बी बराबर एंगल ई, और एंगल सी बराबर एंगल एफ। अब ए की वैल्यू 45 उसने दे रखी है, लिख लिया हमने, और सी की वैल्यू 55 दे रखी है। अब उसने पूछा है हमसे एंगल ई बताइए, तो एंगल ई कैसे निकलेगा, इन दोनों को जमा करके 180 में से हम घटा देंगे, जमा करेंगे तो 100 बन गया, यानी कि ये एंगल तीसरा एंगल 80 डिग्री का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दोलन पेंडुलम 30 डिग्री का एंगल बनाता है और 17.6 सेंटीमीटर की आर्क बना लेता है एक पेंडुलम, तो हम क्या करेंगे, एंगल हमारे को पता चल गया 30 डिग्री, चाप की लंबाई भी हमें पता चल गई 17.6, और दोलन की लंबाई यानी कि लेंथ ऑफ पेंडुलम निकालनी है जो कि हमारी रेडियस हो जाएगी आर, इसका मतलब हमें आर निकालना है। बस इतना पता चलने के बाद हम फॉर्मूले पे आ जाएंगे, चाप की लंबाई का क्या फॉर्मूला होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। चाप की लंबाई हमें दी गई है 7.6 जो कि हमने यहाँ लिख दिया, थीटा की जगह आपने 30 लिख दिया, 2 इंटू पाई की जगह 22/7, और r हमें निकालना है। अब बस बेटा आर के लिए आप सॉल्व करोगे, जहाँ जहाँ कट रहा है उसे काट देंगे, 0 से 0 कट गई, 3 से 36 को काटा 12 आ गया, 2 से आपने 12 को काटा 6 से फिर आप 2 से काट दोगे 11 ऊपर और 3 नीचे, अब कुछ नहीं कट रहा, इधर बचा 11 और नीचे बचा 3×7। अब आर को हम यही छोड़ देंगे, 3 इधर चला जाएगा, 7 भी ऊपर जाएगा और 11 नीचे आ जाएगा, 3×7×11। अब आर से निकालने के लिए देखो 11 से ये भाग हो गया 1.6, 1.6 को अब हम 21 से सीधा गुणा कर देंगे, आंसर हमें मिल जाएगा 33.6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मीनार की ऊंचाई हमें निकालनी है जबकि टेन ए की वैल्यू 3/4 है। अब टेन ए होता क्या है, पी बाय बी, टेन ए, ए मतलब ये वाला एंगल, तो इसका पी कौन सा माना जाएगा, इसके सामने बी सी बटा में बी ए, ये बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अब ये 3/4 दिया है, ए बी हमारे पास 40 है, सीधा आप देख रहे हो 4 को 10 से गुणा किया 40, तो बी सी भी कितना आ जाएगा, 3 को 10 से गुणा करके 30।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुभुज के शून्यांकों की संख्या बताइए. जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल 1, 2, 3, जहाँ जितने एक पॉइंट्स पर एक्स एक्सिस को कट कर रहे. नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसिकेन थीटा इज 3/2, फाइंड 4 इंटू कोसिकेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. अब हमें क्या करना है, वैल्यू हमें कोसिकेन थीटा की पता है, हम कॉट स्क्वायर थीटा को भी कोसिकेन की फॉर्म में चेंज कर लेंगे, यानी कि कॉट स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे कोसिकेन स्क्वायर थीटा माइनस वन. फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए. अब ये कोसिकेन स्क्वायर प्लस कोसिकेन स्क्वायर मिलके क्या बन गए, 2 कोसिकेन स्क्वायर थीटा. अब ध्यान से, कोसिकेन थीटा मेरे पास 3/2 है, लेकिन यहाँ मुझे स्क्वायर करना है इसकी वैल्यू का, तो 3/2 का आप वर्क करेंगे, घटा एक ऐसा कैसे चलता जाएगा. अब ये बन गया 3/2 का वर्ग 9/4, 9/4 और 2 से गुणा कर रहे हैं तो ये कट गया, 9/2 ही रह गया खाली, घटा एक, है ना. अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 9/2 में से एक घटा हो गया, आपको मिल जाएगा 7/2, ये कट गया, आंसर इज 14. 18th क्वेश्चन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, पीबी प्लस CR हमें बताना है. PB किसके बराबर है, BQ के, और CR किसके बराबर है, QC के. मेंटल मैथ्स का क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा, तो हमारा ये मिलके हमें पूरी BC मिल जाएगी, इसका मतलब अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए. लिख लेते हैं, PB बराबर BQ, RC बराबर QC, और अगर मैं इन दोनों को जमा करूँगी तो BQ प्लस QC दैट मीन्स इक्वल टू BC. 1920 क्वेश्चन हमें पता है, एसर्शंस पर होते हैं बेटा. ए आंसर हम जब देते हैं जब ए और आर दोनों सही होते हैं, और उसका रीज़न जो होता है उसके फेवर में होता है, उसी के अकॉर्डिंगली हमारे को दिया गया होता है. बी का पार्ट हम जब टिक करते हैं जबकि दोनों चीज़ें सही हैं लेकिन रीज़न उसके अकॉर्डिंगली सही वहाँ पर सेट नहीं हो रहा है. सी हमारा आंसर जब होता है जब ए सही है रीज़न गलत है, एंड डी आप जब टिक करेंगे जब ए गलत है और रीज़न सही है. तो 19th क्वेश्चन देखते हैं, ए बी सी एक ए पी में है, दे आर द टर्म्स ऑफ इन एन ए पी. नाउ इसके लिए क्या कंडीशन है, 2B इज इक्वल टू ए प्लस बी. अब बेटा बीच की टर्म्स जो होती है वो इन दोनों का एक तरीके से एवरेज होती है, तो बी हम कैसे निकाल सकते हैं, ए प्लस सी बटा दो. तो इसका मतलब यहाँ पे हमें ये सही दिया गया है, 2B इज इक्वल टू ए प्लस सी, ये कंडीशन होगी तो हमारी टर्म्स ए पी में होती है, तो इसको हम टिक कर लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीज़न क्या दिया है इसने, पहली एन विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग एन स्क्वायर है, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स इज एन स्क्वायर. ये बात भी सही है लेकिन रीज़न इसके साथ यहाँ मैच नहीं हो रहा, इसका इसका कुछ आपस में मेल नहीं है बेटा, है ना, कि को विषम प्राकृतिक संख्याएं दी गई हैं आपको एक जगह और एक जगह हमें जनरल उसका कंडीशन दी गई है, तो दोनों चीज़ें सही हैं लेकिन रीज़न उसके अकॉर्डिंगली सेट नहीं हो रहा, तो हमारा यहाँ पे आंसर बनेगा बी. 20th क्वेश्चन है, बिंदु ए और बी और केंद्र वृत्त पर स्थित है, एक्स की वैल्यू 2 है, तो ये तो हमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा. एक सर्कल आपने बना लिया, एक पॉइंट ए, ए और बी दो पॉइंट बना लिए, बीच में सेंटर. अब जब मेरे पास इस तरीके से पॉइंट है, ये रेडियस और ये रेडियस बराबर होगी, इसका मतलब यहाँ मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगी, ए ओ बराबर ओ बी. ए ओ का डिस्टेंस जब आप निकालेंगे, ए और ओ के बीच में 4 - 2 का स्क्वायर प्लस 3, यहाँ से 3 लेंगे और यहाँ से 3 लेंगे, 3 - 3 का स्क्वायर. अब ओ बी के बीच में आप लगाएंगे इसका x - 2 का स्क्वायर और यहाँ से 5 - 3 का स्क्वायर. अब देखो अंडर रूट काट देंगे दोनों जगह, 4 - 2 2, 2 का स्क्वायर 4, और 3 - 3 0 हो गया, तो 0 का स्क्वायर कुछ नहीं हुआ. यहाँ पे मेरे पास बचा x - 2 का स्क्वायर, अभी हम इसे खोलेंगे नहीं,
और यहाँ 5 माइनस 3 का स्क्वायर कितना बचा, 2 का स्क्वायर, दैट मीन्स 4। अब देखो 4 दोनों जगह आ रहा है, 4 कट गया, क्या बचा मेरे पास, x माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x माइनस 2 0 है। अगर किसी चीज़ का वर्ग 0 है इसका मतलब वो टर्म ही 0 है ना, 0 का वर्ग ही 0 हो सकता है। तो x माइनस 2 भी मेरे पास 0 है, इसका मतलब x की वैल्यू आ गई, माइनस 2 दो जाके प्लस हो गया, x इक्वल टू 2। दैट मीन्स पहली जो स्टेटमेंट इसने दी है वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक तो हो गया बेटा। सेकंड पॉइंट वो रीज़न कह रहा है इसका, वृत्त का केंद्र वृत्त की प्रत्येक जीवा का मध्य बिंदु होता है, सेंटर ऑफ ए सर्कल इज द मिड पॉइंट ऑफ ईच कॉर्ड ऑफ द सर्कल। बिल्कुल गलत है ये बात, है ना। कॉर्ड तो आपकी कहीं पे भी हो सकती है, यहाँ पे हो सकती है, यहाँ हो सकती है, ऐसे हो सकती है। जो वृत्त का डायमीटर होता है उसका मध्य बिंदु होता है सेंटर, अदरवाइज कॉर्ड हमारे पास कहीं पर भी हो सकती है। देखो तो इसका मतलब ये पॉइंट गलत हो गया, ये कॉर्ड ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, तो ये इसका सेंटर से तो कोई लेना देना नहीं है ना, तो ये पॉइंट हमारा गलत है। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या बनेगा, पॉइंट सी। दैट्स ऑल बेटा, बहुत ध्यान से प्रैक्टिस कीजिए, जो जो आपके मिस्टेक्स हैं या कन्फ्यूज़न है उन्हें दूर कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।